मॉर्निंग किदा तुम सारे, वेलकम टू टूडेज ब्लॉग। स्वागत है थोड़ा सब का। आई होप तू सारे वधिया हो गए, कैंट हो गए। टाइम हो गया है 10:15 से आज हाँ सी रेडी। तो यार अज असी जा रहे हाँ डॉक्टर दे कोल। अर्शी दीदी ने दसना है फेस, क्योंकि इसमें पिंपल आए करते हैं। उसका फर्क नहीं पै रहा, फर्क पै थोड़ा जहा पर नवे आ रहे हैं, गल होती है। तो मैं भी थोड़ा जहा दसना, मैं क्या चल जो अर्शी जाती है बाई डिफॉल्ट में भी चेक करा लेंदी हाँ। तो किसी ने दसिया कि डॉक्टर मरूनल कैनाल रोड बैठते हैं, उन्होंने चेक कराओ। रीसेंटली हमने असं डॉक्टर पुनीत सूदन में भी चेक कराया, थोड़ा फर्क पै। बट मैं वो पूछना कि नवे आने क्यों, किस कारण तू आ रहे हो, क्यों? और बड़े लोगों ने रेकमेंड किया, मैं क्या चलो काफ़ी लोगों ने रेकमेंड किया, तो इन डॉक्टर ने भी एक बार कंसल्ट कर लेंगे अगर बोलते हैं। तो चलो तो भी थोड़ी बहुत लोकेशन सानू भी नहीं पता, सानू भी ना लैके चलेंगे। तो लैस को असी लै लिया ऑटो, एंड पहले असं सोचे सर गांधी नगर उतर के मेटाडोर लेंगे, पर सन लगे लंबा पे जाएगा नाल, डॉक्टर को जल्दी नहीं पुजना है ना दीदी। तो असं सोच रहे हैं कि ऑटो तो ही उत्थे तक कैनाल रोड तक चल जाइए, तो उस अगे तो लोकेशन दस देंगे जिससे सू पता लगेगी ना। ठीक है, तवी पुल तो अगे है जीवल के कोल कैनाल रोड पर। अरे हवा अच्छी है सही यार, हाँ और ऊपरों है कि खाली है सही, ज़्यादा रश नहीं है। पहुँच गए हैं इधर कैनाल रोड, एंटर कर लिया है। ये आ गया GGM साइंस कॉलेज, इतने ही उतरते हैं फिर देखते हैं अगे। असं उतरे हैं GGM साइंस कॉलेज के बाहर, हूँ इतने कोल खाली है, लोकेशन पूछते हैं किसी तू या इसके आस पास ही दस रहे थे, केमिस्ट शॉप तो पूछते हैं अगे तो। हाँ लग गई, किधर है? इधर साइंस कॉलेज के अगे ही है बिल्कुल, इस वाले एरिया से बैठते नहीं इतने, ट्रीट वेल डायग्नोस्टिक्स। चलो चलिए फिर। तो गाइज असं बैठ गए, स्लिप्स लै लिया, तो थोड़ी देर तक नंबर आ जाएगा। हो गए हाँ फ्री, चलो फिर चलिए। वेस्ट साइड आ गए सा क्योंकि कैनाल रोड तो ही है बिल्कुल नाल, तो असं सोचा कि चलो झाती मार जाते हैं जाते जाते टाइम। इलेक्शन तो इन्हों को आई दी है रही है, तुम्हें पता है असी सैक्शन से घूम रहे वेस्टर्न वाली, तो फिर जाएंगे इंडियन वाली। तो अर्शी बोल सी प्लांट्स देखने एक दो, तो वो मेन उस करके आए हैं। इतने आके ना हर एक चीज़ ट्राई करने का मन करता, मैं तो लै ली, मैं तो चुक ली दियाँ चार चार पाँच चीज़ा ट्राई करने वास्ते, तो काफ़ी अच्छी वैरायटी आई दी है। काफी बड़ी अच्छी होंगी फ्लैट्स वगैरह सारे। लूना ब्लू वाली आए थे, ये देखो अच्छी पाके भी आई दी है। किधर गई यार ये? यार गाइज इसकी गल कर रही सामने, ए चप्पल इन्नी ज्यादा वो है ना कंफर्टेबल, और देखो ब्लैक अर्शी वाली लगी हुई है। ओ नाइस, नवे कलर आए दिन, ट्राई करते हैं एक, सारे कलर आ गए, पहले नहीं सन, पहले एको सी पिंक, वाओ पर्पल बेज, बहुत कंफर्टेबल है यार ये, तुम देख सकते हो आगे। मैं तो अर्शी बस इतने ही लगे हैं, इतने आके ना बंदा सोचता कि मैं सिर्फ देख के आंदा, पर इतने नज़र ठहर ही जाती है हर एक चीज़ से। मेरे काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है यार। असी ना अपने रूम वास्ते प्लांट देखना सी, एक वो खराब हो गया था ना, तो असं सोच रहे ये वाला प्यारा लग रहा है, बट प्यारा है ये भी प्यारा है। हाँ अच्छे ने यार, लगी थी देखने वास्ते, कोई चीज़ा बहुत प्यारी प्यारी होंगे। गाइज के किया जाए दसो, तुम दसो के करिए। यार वुडन का समान मैं ना पसंद है ना, वुडन का घर तो वुडन का समान। अर्शी दीदी सेंटेड कैंडल्स आ गई, तो मैं दसी सन ना सारिया। तो गाइज काफ़ी स्टॉक आए था, सानू बहुत सारी चीज़ा पसंद आ गई, बस ट्राई करके देखा तो फिर इतों निकलेंगे। लै लिया जो पसंद आया, तो एक प्लांट भी लै लिया, घर जाके दस दें, हम सीधा घर चल के मिलते हैं। ठीक है, इतों लेंदे बारों ऑटो। हो रहा सा प्लांट पैक, देख सकते हो तुम विजिट हेयर है ना अर्शी दीदी। फ्राइडे स्टॉक आता हर फ्राइडे, हाँ इतों निकलीए अर्शी दीदी ने लै लिया इतों। चलो निकल गया गाइज, सीधा घर पहुँच के ही मिलते हैं। प्लांट रख लेता है अच्छी जी, फुल ऑन टेंशन पे जाम लगेगा, अद्धा घंटा हो गया खड़े हुए थे, और अगे पता नहीं कि रैली है, पता नहीं कि इधर कोई करता है, इतना ज़्यादा जाम लगाया है
निवास पार्क ताइए इतने ना जाम रैली हुई है दूसरे रस्ते तो आए भैया इतने पूरा पैक्ड है पहुंच गया घर तो यह लिया असी प्लांट वेस्ट साइड तो काफ़ी अच्छा ही है मतलब लाइव जहा लग रहा सी रियल टाइप का पापा कैसा है अच्छा इतना ज्यादा जाम सी जिस तरह मैं तुहानू दस्या अज कुछ अज महाराजा हरी सिंह दा जन्मदिन है इस करके उन्होंने इन्नी रैली कड्डी है रैली कड्डो ते कड्डो लेकिन एक साइड ते चलो ना पूरा रस्ता ब्लॉक करन दा के मतलब जो आम जनता है जेडे डे टू डे काम जा रहे हैं मोटरसाइकिल तो साइलेंसर शाइलेंसर सब कड्डे दे सन नी ओ नी है या तो ना ये सारी गड्डी एक लाइन ते लगी हुई है सारीयां लग ए टू जेड एंड तक गाइस इधर मम्मा बीमार हो गए हैं भैया वो बुला के लाया है इंजेक्शन लगाने के लिए मम्मा ने कुछ चुक जी निकल गई है इंजेक्शन लगाना आए हुए हैं अर्शी जी क्या हो गया मम्मा ने घर पहुंचे ही हैं तो मम्मा मतलब उसे लेटे रहे हैं तो मम्मा ने फोन किया रस्ते बीच कि किस लिया हो गया से बोले पहुंचने वाले हैं क्योंकि डॉक्टर को थोड़ा टाइम लग गया फिर उसे चले गए नाल ही समान लेना से हरी निवास उन्होंने यार बड़ा वो कितना घंटा असं लेट हो एक बजे पहुंचे बारह बजे पहुंच जाना सी उन्हें फिर घर आया तो देखा तो मम्मा ने यहाँ बेटे के सन दर्द निकलेगा से फिर उन्हें पापा भैया को लैके आए इंजेक्शन लगाने वास्ते मम्मा ने कहीं कुछ हो जाता कहीं कुछ हो जाता है गाइस असं वापिस आ गए अपनी लुक से एंड यार डॉक्टर को गए से असं डॉक्टर मिले एंड मतलब काफ़ी अच्छी तरह उन्होंने प्रॉब्लम सुनी जो जो भी है तो उस हिसाब से दवाई भी दी है कई उन्होंने बोलिया कि ठीक चल रहा थोड़ा ट्रीटमेंट जो ऑलरेडी उन्होंने डॉक्टर पुनीत सुदन ने दवाई दी दी तो कुछ कुछ चेंज की नर्सी द लेट्स सी ते हुण असीं आ गए फिर तू यो घर वाले गेटअप ते अर्शी दीदी भी अर्शी दीदी बस आते ही फटाफट अपनी एक शर्ट है इसकी पेट शर्ट फेवरेट शर्ट वो पाती तो लग जाती काम से तो हूँ यार फस्ट हाफ से निकल गया एंड मम्मा नूं बहुत ज़्यादा पेन हो गया था यार मैं समझ नहीं आ रही जिस तरह कोल आ रही चीज़ा कदें कुछ हो जाता कदें कुछ हो जाता तो मम्मा नूं अचानक पता नहीं कि फ्रिज तो कुछ कट रहे सन तो चुक पै गई और बड़ी गंदी वाली चुक पई है बहुत दर्द है तो मसा इंजैक्शन करवाया होप्स जल्दी ठीक हो जाए एंड हूँ बस असं लगन लगे हैं रोज दिन असं टारगेट रखे दें इस अलमीरा तो हूँ लॉबी की अलमीरा है तो उत्थे असं अज सोच रहे हैं कि वो कर लिए क्योंकि सैकेंड हाफ बचे तो उत्थे काम शाम कर लेंगे चलो फिर लैट्स गैट स्टार्ट की है एवली अलमीरा तो तुम देख सकते हो इतने ये चीज़ा पूरी साफ कर रही हैं कपड़ा मैं लै लिया मैं क्या शरीर की हेल्प करा नाल तो कूलिन रह के कूलिन भी लै लीती है तो इसको कर दिया क्लीन तो फिलहाल अज का सारा टारगेट एवली अलमीरा है गाइस देखो एक अनोखा कप मिले सानू अच्छी दसी बिना बेस दे कप है ये मेरी फ्रेंड ने मैं गिफ्ट दिता सी बर्थडे ते एंड इतनी प्यारी इस विच ट्यून निकलती है ना जिले रिवॉल्व करता है देखो मेरी फोटो देखो देखने लायक नहीं आई अभी ये हो गया क्लीन ठीक है एक साइड वाली हुई है वो रहती है तो क्रॉकरी असी धो ली सारी तैयार से साफ कर रही सी मैं ना लगा जा रही हाँ ये उपर सैट कर दते हैं ये कर दते हैं तो ये कर दते हैं ठीक है तो आस्ते आस्ते ओबला रह गया तो इस बीच एबला लगाऊंगी मुश्किल है उनकी समान ज़्यादा है तो ये देखो देख रहे हो गाइज सो गाइज असी ये कर दी है डन एंड उपरू समान थोड़ा बाहर असी रखे धुप्पे मतलब धुप लगा लेंगे तो ये पूरा क्लीन कर दिता इतों तो इतने लगे दा थोड़ा पेंट का काम तो फिलहाल हूँ जान लगे यार रेस्ट मोड से यार थक गए गाइज अर्शी दीदी ज़्यादा काम करती है मैं घट करती हाँ बट मैं जल्दी थक जाती हाँ वो लेट थकती है स्टैमिना स्टैमिना की गल होती उस भी शायद ज़्यादा है तो यार इतने कर्टनस कदू लगन गए मेरे ख्याल कल लगा देंगे क्योंकि असी मतलब कर्टनस आ गए सन लगाए क्यों नहीं क्योंकि उ मतलब विंडोज़ का बाहरों पेंट रहा तो अज उन्होंने किया तो वाइट वॉश भी हो गया पेंट भी हो गया क्योंकि इस तरह धूल होंगी है ना फिर पूरे धुलवाए दें तो पापा कहें एक बार लगाते हैं फिर ये कम हो गया तो अच्छ लगा देंगे उस तो बाद थोड़ी देर दो इजाजत थोड़ी जी रेस्ट करिए शाम टेलर को भी जाना तो जिस तरह रहेगा अगर दसते जाएंगे तो स्टे ट्यून्ड तो असं हो चुके हैं थोड़े बहुत रेडी क्योंकि जा रहे हैं बार टेलर दे उधर बुटीक ते जा रहे टेलर दी बुटीक ते जा रहे हैं बार बुटीक ते क्योंकि कुछ सूट पेंडिंग से मैं क्या चलो भी ले आते हैं चलो चलिए चाह शाह पी लिए असं गए हैं बुटीक यार इसलिए इन्ना रश है ना कि दसा गड्डिया का चलना भी मुश्किल हो गया है अर्शी दीदी बड़ा रश है इस टाइम बुटीक ते जाते हैं रोशनी होती है जल्द घर जाते हैं अंधेरा तो चलो पहले घर पुजते हैं
भाई सानू ये दिख गए भैया यार इधर लगी कहती भूख लगी दी है मैं क्या चल इधर भी अलग मजा होता यार। हेलो गाइज मेरी अखा तुसी देख रहे हो एकदम सोन वाली हुई थी असं आए सा वापिस टेलर तो एंड तुसी देखे असं कि मतलब रात ही हो गई सी जिंदे तक वापिस आते असं फिर डिनर वगैरह किया तो थोड़ा जा ना वो पैकिंग वगैरह का थोड़ा जा कुछ रेंदे सन तो वो काम स्टार्ट किया हाले बड़ा पेंडिंग है यार काम मैं जिस तरह सोच रही सा कि मैं महीना दो महीना पहले आराम नाल रेस्ट करूँगी वैसा पॉसिबल नहीं है हो पा रहा मैं लगता यार सब नाल यही सिचुएशन रहती है कि बंदा सोचता है रेस्ट करेंगे बट हो नहीं पाता है हूँ मैं समझ आ रहा है इट इज़ रियली हैक्टिक यार तो बस हूँ यार सवेरे रिचार्ज होकर उठते हैं इस टाइम तक देखो अखा भी नहीं खुल रही होंगे इस तरह हो तो बस फिर हूँ सोन लगे हैं तो अज का दिन इस तरह ही सी जिस तरह तुम देखिया अगे भी हूँ सोच रहे हैं थोड़े जे व्लॉग कट करिए क्योंकि टाइम नहीं लग रहा एडिट कर बना का जिस तरह मैं तुम्हें कहा हफ्ते के दो या एक दिन और जिस दिन करा तो अपडेट दे देंगे पहले एक डेढ़ महीना थोड़ा बियर कर ले उस फिर कंटिन्यू हो जाएंगे तो अज का दिन इस तरह ही सी हूँ मिलते हैं नैक्सट व्लॉग के न लाइक शेयर कमेंट सबसक्राइब सपोर्ट करते रहो इस तरह ही होर ज़्यादा सपोर्ट करो तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के नाल तब तक के लिए खुश रहिए बाय बाय टेक केयर।